हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को एचओ कोटा के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आजकल नॉर्मल टिकट या तत्काल टिकट या वेटिंग टिकट मिलना कितना मुश्किल हो गया है। अगर मिल भी जाता है तो कन्फर्म नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों को एचओ कोटा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एचओ कोटा जो है ये नॉर्मल लोगों के लिए भी होता है, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को एचओ कोटा के बारे में आज बताने वाला हूँ। आप एचओ कोटा का इस्तेमाल करके आप कन्फर्म सीट ले सकते हो एक दिन पहले या जिस दिन आप जाने वाले हैं उस दिन भी। तो मैं आपको बता दूं कि रेल टिकट बुक करते समय यह कोई ज़रूरी नहीं है कि टिकट कन्फर्म हो जाएगा। वैसे ट्रेन में कई तरह के कोटा होते हैं, ऐसे ही एक कोटा एचओ कोटा होता है, ठीक है। इसके जरिए वेटिंग लिस्ट के टिकट भी आसानी से कन्फर्म हो जाते हैं। इस कोटा में वेटिंग लिस्ट कितनी भी लंबी हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। भारतीय रेल में हर रोज लाखों रोज सफर करते हैं। भारतीय रेलवे की बहुत सी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध कर दी गई है। इंडियन रेलवे मतलब IRCTC की वेबसाइट और ऐप की मदद से यात्री बहुत सी सुविधाएं का लाभ उठा सकते हैं, जिनमें टिकट बुकिंग से लेकर खाना बुकिंग तक सभी शामिल है। ऐसे ही जब भी आप ट्रेन में टिकट बुक करते हैं तो अलग अलग कोटा के जरिए बुकिंग करते हैं। जिन लोगों को स्पेशल कोटा होता है, जैसे कि सीनियर सिटीजन कोटा, लेडीज कोटा, हैंडीकैप कोटा और भी बहुत सारे कोटा होते हैं, जिसके द्वारा आप सभी को सीट अलॉटमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस तरह से कई कोटे होते हैं, ऐसे ही एक कोटा एचओ कोटा होता है। इस कोटे की खास बात यह है कि इसमें वेटिंग लिस्ट भी कंफर्म हो जाती है। वो चाहे कितनी भी आपकी वेटिंग लिस्ट क्यों ना हो, इस एचओ कोटा में कंफर्म हो जाती है, ठीक। एचओ कोटा का मतलब हेड क्वार्टर या हाई ऑफिशियल कोटा भी इसको कहा जाता है। इस कोटे के इस्तेमाल टिकट बुकिंग के नहीं किया जाता है, मतलब यह जो कोटा है यह टिकट बुकिंग अगर आप करने जाते हैं तो यह ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें सबसे पहले सामान्य वेटिंग लिस्ट वाली टिकट लेना होता है, मतलब आपको नॉर्मल टिकट बुकिंग करना पड़ता है, जैसे आप नॉर्मली वेटिंग टिकट बुक करते हैं। आप पर्सनल आईडी से भी बुकिंग कर सकते हैं, एजेंट आईडी से भी बुकिंग कर सकते हैं। इस टिकट हेडक्वार्टर के जरिए, मतलब ये जो टिकट है हेडक्वार्टर के जरिए कन्फर्म कराया जाता है। ये कोटा इमरजेंसी में यात्रा करने वाले लोगों के लिए और VIP लोगों के लिए होता है। अधिकतर VIP लोगों को ही इसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन कुछ परिस्थिति में नॉर्मल लोग भी होते हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कोटा सिर्फ रेलवे के उच्च अधिकारियों, जैसे कि सरकारी गेस्ट हो गया, VIP हो गया, मंत्रालय जैसे जो मिनिस्ट्री वगैरह जो होता है, मतलब डिफेंस वगैरह हो गया, इम्पोर्टेंट डिफेंस वगैरह, तो मतलब एकदम हाई लेवल जो होता है ना, जैसे कि आप सभी को पार्लियामेंट कोटा हो गया, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो इस मतलब ये जो एचओ कोटा है इन्हीं सभी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें वेटिंग टिकट को कंफर्म कर दिया जाता है, एचओ कोटा में वेटिंग टिकट को कंफर्म कर दिया जाता है। इसका प्रोसेस भी चार्ट बनने के कुछ घंटे पहले ही होता है। एचओ कोटे में ट्रेन के आधार पर सीट होती है आमतौर पर, मतलब इसकी संख्या बहुत कम होती है, ट्रेन के हिसाब से इसकी सीटों की समीक्षा की जाती है। अगर आम आदमी इस कोटे का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इसके लिए यात्रा की तारीख से एक दिन पहले अप्लाई करना होता है। अगर नॉर्मल लोग अगर इस टिकट एचओ कोटा के द्वारा सीट कंफर्म करवाना चाहते हैं तो वो एक दिन पहले वो एक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में आपको ये साबित करना होता है कि आपको कहीं इमरजेंसी में जाना है और काफ़ी ज़रूरी काम है। इसमें आपको इमरजेंसी साबित करने वाली सभी डॉक्यूमेंट्स, मतलब वो जो चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइज़र होते हैं उनको देना पड़ता है, ठीक है। इसका एक फॉर्म होता है जिसे जमा करना होता है, फिर इस पर एक गेजेटेड ऑफिसर का साइन भी कराना होता है। इसके बाद इसकी जोनल ऑफिसर के पास ये जो डॉक्यूमेंट्स आप जो दीजिएगा फिर वहाँ पर भेज दिया जाता है जोनल ऑफिसर के पास। इसके बाद वहाँ से आपको अप्रूव होने पर ही टिकट कंफर्म हो जाती है। ये नॉर्मली कोई भी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट हर जिला में ये जोनल ऑफिस होता है रेलवे का, ठीक है। आप वहाँ से अपना टिकट इजीली कंफर्म करवा सकते हैं इन इमरजेंसी केस में।
एनी टाइम नहीं, हर वक्त नहीं, कि ये नहीं कि आप अभी कंफर्म करवा लिए तो सोचते हैं कि 10 दिन बाद फिर कंफर्म, नहीं, आपको इमरजेंसी, एकदम इमरजेंसी होगा तभी आप कंफर्म करवा सकते हैं इजीली, ठीक है। सो आई होप कि आप सभी को हमारा ये जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।